नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डेडपूल बैड ब्लड का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि डेडपूल थंपर को ढूंढते हुए मैड्रीपुर में आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो किसी इल्यूजन में फंस गया है, जहां एक के बाद एक विलन्स उस पर अटैक कर रहे हैं। तो वही बाहर हम देखते हैं कि कुछ पैसे वाले लोगों ने डेडपूल को खेलता हुआ देखकर उस पर पैसे लगाए हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम डेडपूल को देखते हैं जो वेनमपूल से बच रहा है। तभी वेनमपूल डेडपूल से कहता है कि तुम इतना भाग क्यों रहे हो, तुम्हारे ऐसे भागने से हमें उस स्पाइडर की याद आ रही है। ये कहते ही वेनमपूल डेडपूल पे अटैक कर देता है। तभी डेडपूल कहने लगता है कि यह है डेडपूल, और मैं जानता हूँ कि आप लोग ये पहले ही गेस कर चुके होंगे। ये दिखने में इतना बड़ा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अंदर कहीं पर वेड विल्सन है, किसी और अर्थ का जो वेनम से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं है। पर अब मुझे पता करना होगा कि मेरी एक्सपोज का क्या हुआ। ये कहते हैं डेडपूल वेनमपूल के अटैक को डॉच करता है और वेनमपूल के मुंह पर पंच मारता है, लेकिन तभी वेनमपूल भी डेडपूल के मुंह पर पंच मारता है। लेकिन तभी डेडपूल फिर से वेनमपूल को पंच मारता है और अपनी गन्स निकालता है। तभी वेनमपूल कहता है कि तुम पार्कर की तरह हो, हम तुम्हें समझ नहीं पाते हैं, पर हमें तुम्हारी जरूरत है। ये कहते हैं वेनमपूल डेडपूल को मारने जाता है, लेकिन डेडपूल फिर से डॉच करता है और अपनी तलवार से वेनमपूल की जीभ काट देता है। यहाँ आर्केटा ये देख रही थी और वो किलवेल से कहती है कि तुम जीनियस हो, इस तरह का गोर देखने के लिए क्लाइंट्स और इन्वेस्ट करेंगे। जिस पर किल्सवेल कहता है कि हाँ, लेकिन फिलहाल डेडपूल के सर्वाइवल चांसेस कम होते जा रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। जिस पर आर्केटा कहती है कि ठीक है, लेकिन वेनमपूल को उलझा के रखो ताकि हम उससे वेनम खींच सके। यह डेडपूल वेनमपूल पे फायरिंग कर देता है और कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। जिस पर वेनमपूल कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एजेंट 11 हो जो सबसे पागल एसेसिन है इस मल्टीवर्स में, तुम्हारे हर जगह दुश्मन है, और अगर हम पहले मिले होते तो हम मिलकर विलन्स को मारते। ये कहते ही वेनमपूल डेडपूल को पकड़ लेता है। तभी डेडपूल वेनमपूल को समझाने लगता है, लेकिन तभी वेनमपूल डेडपूल को उठाकर फेंक देता है। लेकिन तभी डेडपूल देखता है कि वो कहीं पर आ चुका है, और तब डेडपूल देखता है कि उसके सामने अब सेबरटूथ खड़ा था। ये सेबरटूथ म्यूटेंट वाला सेबरटूथ नहीं है, बल्कि एनिमल वाला है। तभी डेडपूल उस सेबरटूथ से पूछता है, जाबू क्या ये तुम हो? ये कहते ही जाबू रुक जाता है। तभी डेडपूल जाबू से कहता है कि अगर तुम यहाँ पे हो तो इसका मतलब है कि मैं किल्सवेल से बाहर निकल पाया हूँ। लेकिन तभी वहां पर भी वेनमपूल आता है और कहता है कि तुमने कपड़े बदल दिए। जिस पर डेडपूल वेनमपूल से कहता है कि यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मुझे फेंक दिया। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो सिमुलेशन है, मुझे लगा था कि तुम भी उसका हिस्सा हो, पर ऐसा नहीं है। क्या बोलते हो, हम फिर से शुरू करें? यह सुनकर वेनमपूल डेडपूल से कहता है कि तुम हमें घर भेजोगे। जिस पर डेडपूल कहता है कि मुझे धमकियां पसंद नहीं है। जिस पर वेनमपूल कहता है कि हमें तुम पसंद नहीं हो। ये कहते हैं डेडपूल वेनमपूल के मुंह पर पंच मारता है और कहता है कि मुझे भी तुम पसंद नहीं हो। लेकिन तभी वेनमपूल डेडपूल को पीछे फेंकता है और कहता है कि तुमने हमें यहाँ लाया है और अब तुम ही ऐसा कर रहे हो। लेकिन तभी जाबू वेनमपूल पे अटैक करता है और वेनमपूल के शोल्डर पे काट लेता है, लेकिन वेनमपूल जाबू को उठाकर फेंक देता है। लेकिन तभी डेडपूल वेनमपूल को जोरदार लात मारता है, जिसके कारण वे दोनों भी दरिया में गिर जाते हैं। लेकिन तभी डेडपूल देखता है कि वो अब स्पेस में है, और तब डेडपूल के सामने शायर एम्पायर के लोग आ गए थे। तभी ओरेकल ग्लैडिएटर से पूछती है कि अब ये कौन है। जिस पर ग्लैडिएटर डेडपूल से पूछता है कि अपना नाम बताओ। ये देखकर डेडपूल हैरान रह जाता है और कहता है कि मैं स्पेस में हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और मुझे इन लोगों की भाषा कैसे समझ में आ रही है। तभी ग्लैडिएटर अपनी टीम से कहता है कि ये तो ह्यूमन है, तो सब लोग रुक जाओ क्योंकि ये हमारे लिए खतरा नहीं है। जिस पर डेडपूल कहता है कि मैं खतरा हूँ जब मैं कन्फ्यूज होता हूँ, और मैं हमेशा ही कन्फ्यूज रहता हूँ, पर अब मुझे कुछ जवाब चाहिए, क्योंकि पिछली बार मैं जिसे जवाब मांग रहा था वो मैं ही था जो सिम्बियट से जुड़ा हुआ था।
तो बताओ मुझे किल्वर के बारे में तुम क्या जानते हो। तभी ये सुनकर ओरेकल ग्लैडिएटर से कहती है कि क्या उसने सिम्बियोट कहा, जिस पर ग्लैडिएटर कहता है कि क्लिंटर इसकी लीग होगी। तभी बाकी सारे शहर के लोगों को डेडपुल पर शक होने लगता है और तब स्टारबोल्ट डेडपुल पर अटैक कर देता है, पर डेडपुल उसके अटैक को डॉच करता है और देखता है कि वो फिर से किसी और जगह पे आ चुका है। तभी डेडपुल देखता है कि उसके सामने अब एक्सफोर्स वाला डेडपुल है जिसके पास कॉस्मिक पावर है, और फिर किडपुल, डॉगपुल, लेडी डेडपुल और हेडपुल खड़े थे। तभी किडपुल कहता है कि ये दिखने में तो वही है, तो क्या बोलते हो डॉगपुल, ये वही है, जिस पर डॉगपुल भौंकने लगता है। तभी किडपुल डेडपुल पे कूद जाता है और कहता है हे डैड, जिस पर डेडपुल कहता है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, लेकिन क्या तुम मर चुके हो, जिस पर लेडी डेडपुल कहती है कि हमारे नाम में ही डेड है तो हम कैसे मर सकते हैं। ये किलवेल लिमिट के बाहर खेल रहा है और वो इतने सारे वॉटर्स बना रहा है जिससे हम तंग आ गए हैं, जिस पर किडपुल कहता है कि हम बाहर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर कुछ नहीं हुआ, पर फिर किसने तुम्हें यहाँ पर भेज दिया, तो अब तुम्हें ये फिगर आउट करना होगा। ये कहते किडपुल डेडपुल को लाइट सेबर देता है। तभी डेडपुल वो लाइट सेबर लेता है और देखता है कि फिर से उसके आसपास अंधेरा हो गया था, और तब फिर से वेनम पुल दिखाई देता है, लेकिन अब वो अकेला नहीं था, उसके साथ वेनम भी था, और तब वे दोनों डेडपुल पे अटैक करने आते हैं। लेकिन तभी डेडपुल के पीछे हमें क्लॉस नजर आते हैं, जिसे देखकर डेडपुल कहता है बहुत जल्दी आ गए। ये कहते हम देखते हैं कि वहां पर अब वुल्वरीन आ चुका था, जो डेडपुल से कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, मैं बिजी हूँ, पर फिर भी तुम्हें बचाने आया क्योंकि केबल मुसीबत में है और तुम ही एकमात्र हो जो उसे बचा सकते हो, और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू होता है।